स्टूडेंट, आई एम योर टीचर फ्रॉम संस्कृति गुरुकुलम स्कूल। हाउ आर द स्टूडेंट? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम टीचिंग यू ईवीएस। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अप चैप्टर 11, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपकी ईवीएस के साइंस पोर्शन का चैप्टर 11 है, जिसका नेम है ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। ओके स्टूडेंट, तो ये चैप्टर हम रीड कर चुके हैं, आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स, आप एक्सरसाइज अच्छे से समझेंगे, उसके बाद अपनी बुक में फिल करेंगे एंड उसके बाद आप इसे लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। टेक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट आपको दिया है वी हैव डैश सेंस ऑर्गन। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? A2, B3, C4, D5। तो कितने होते हैं? 5। तो आपको 5 पे टिक लगाना है, मतलब डी पे टिक लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड दिया है वी टेस्ट विथ अवर। हम टेस्ट किससे करते हैं? A टंग, B नोज, C हैंड, D आईज। तो स्टूडेंट्स, किससे करते हैं? टंग से करते हैं ना? यस। तो आपको ए टंग पे टिक लगाना है। ओके स्टूडेंट, थर्ड दिया है वी होल्ड थिंग्स विथ अवर। हम चीज़ों को किससे उठाते हैं? A लेग से, B हैंड से, C ईयर से, D नोज। तो स्टूडेंट्स, किससे उठाते हैं? हाथों से उठाते हैं ना? तो आंसर है बी, हैंड्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द हेल्पिंग बॉक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है जो वर्ड्स दिए हैं हेल्पिंग बॉक्स से, उनकी मदद से। फर्स्ट दिया है आई स्मेल विथ माई नोज, NOSE नोज। सेकेंड दिया है आई सी विथ माई आईज, EYES आईज। थर्ड दिया है आई पुल विथ माई हैंड्स, HANDS हैंड्स। फोर्थ दिया है आई टच विथ माई फिंगर्स, FINGERS फिंगर्स। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड आपको दिया है टिक द करेक्ट वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको करेक्ट वर्ड पे टिक करना है। तो फर्स्ट दिया है आई रन विथ माई लेग्स हैंड, तो लेग से दौड़ते हैं तो लेग पे टिक करना है। सेकेंड दिया है आई राइट विथ माई लेग्स हैंड। तो स्टूडेंट्स, हम किससे लिखते हैं? हैंड से लिखते हैं, तो हैंड्स पे टिक करना है। थर्ड दिया है आई चू फूड बाय टीथ और फिंगर्स। तो खाने को किससे चबाते हैं? टीथ से चबाते हैं ना स्टूडेंट, तो टीथ पे टिक करना है। फोर्थ दिया है आई हेयर विथ माई टंग ईयर्स। तो स्टूडेंट्स, किससे सुनते हैं? ईयर से सुनते हैं, तो ईयर पे टिक करना है आपको। ओके, नेक्स्ट आपको दिया है फोर्थ टिक द राइट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। तो राइट स्टेटमेंट पे टिक करना है और क्रॉस स्टेटमेंट पे रॉन्ग करना है। तो फर्स्ट दिखा है आई ड्रॉ विथ माय फिंगर्स, तो फिंगर्स पे टिक करना है। सेकंड दिया है आई किक विथ माय हैंड, तो हैंड से किक करते हैं? नहीं, पैरों से किक करते हैं, तो रॉन्ग। थर्ड आई च्यू विथ माई टंग, रॉन्ग। फोर्थ आई स्टैंड विथ माई आर्म्स, रॉन्ग। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका एक्सरसाइज, आपको समझ में आ गए ना? अब आपको आपके बुक में फिल करना है और इसे लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।